हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर कार्स। आज हमारे सामने है मारुति सुजुकी स्विफ्ट का फेसलिफ्ट वर्जन, और आप अभी जो ये वेरिएंट देख रहे हैं ये है इसका सबसे वैल्यू फॉर मनी एंड हाईएस्ट सेलिंग वेरिएंट VXI। स्विफ्ट में आपको चार वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, LXI जो कि सबसे बेस मॉडल है, इसके बाद आपको देखने को मिल जाता है VXI, ZXI और ZXI प्लस। आज हम इस गाड़ी का पूरा डीप रिव्यू करेंगे, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम इसके इंजन से। तो इसमें आपको 1.2 लीटर फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो कि 87 bhp की पावर और 113 nm का टॉर्क जनरेट करता है। जो इसका बेस वेरिएंट है LXI उसमें आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर के जो वेरिएंट है VXI, ZXI और ZXI प्लस, उनमें आपको दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसके फ्रंट से। फ्रंट में आपको सबसे पहले देखने को मिल जाता है इसमें सुजुकी का लोगो, और उसके नीचे आपको काफी बड़ी एक क्रोम की बार दी गई है। इसी के साथ इसकी रेडिएटर ग्रिल का डिजाइन भी काफी अच्छा दिया गया है। इसमें आपको हनीकॉम डिजाइन की रेडिएटर ग्रिल मिल जाती है। इसके साथ आपको यहाँ पर हेलोजन हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। इसमें कोई प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको नहीं प्रोवाइड किए गए हैं, और इसी के साथ आपको यहाँ पर साइड इंडिकेटर की प्लेसिंग मिल जाती है। इस वेरिएंट में कोई भी फोग लैम्प्स ऑफर नहीं किए जाते हैं। ये एक डिलीवरी रेडी गाड़ी है, तो इसमें कस्टमर ने मारुति जेन्युइन एक्सेसरीज से फोग लैम्प्स इंस्टॉल करवाए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फोग लैम्प्स लगे हुए हैं, वरना इसमें आपको कोई भी फोग लैम्प्स ऑफर नहीं किए जाते हैं। साथ अगर हम चलते हैं इसी साइड प्रोफाइल की तरफ, तो इसमें आपको 14 इंच का स्टील रिम व्हील मिल जाता है। अभी इसमें आप देख सकते हैं अपोलो का टायर लगा हुआ है विद प्रोफाइल साइज 165/80R14। इसमें आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेंगे, और इसमें आपको 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस भी ऑफर की गई है, जो इस सेगमेंट के हिसाब से एडिक्वेट है। इसी के साथ यहाँ पर आपको बॉडी कलर ORVM मिल जाते हैं विद साइड इंडिकेटर, और यहाँ पर आपको बॉडी कलर डोर हैंडल देखने को मिलेंगे। इसमें आपको कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर प्रोवाइड नहीं किया गया है। इसी के साथ आपको इसमें ए पिलर, बी पिलर और सी पिलर तीनों ही ब्लैक्ड आउट मिलेंगे। इसी के साथ आपको पीछे दरवाजे का हैंडल यहाँ पर ऊपर प्रोवाइड किया गया है, और इसके बाद आपको यहाँ पर ब्लैक मैटी फिनिश में शेप दी गई है। अब चलते हैं इसकी रियर प्रोफाइल की तरफ। कुछ इस तरह का आपको व्यू मिल जाता है रियर में। यहाँ पर आपको ऊपर एक हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है, और इसके ऊपर आपको रूफ टॉप एंटीना मिल जाता है। इसमें आपको कोई शार्क फिन एंटीना प्रोवाइड नहीं किया गया है। इसी के साथ आपको यहाँ पर विंडशील्ड पर कोई भी डिफोगर या वाइपर भी ऑफर नहीं किए गए हैं। इसके नीचे आपको सुजुकी का लोगो और यहाँ पर आपको स्विफ्ट की बैजिंग देखने को मिल जाती है। इसकी टेल लैंप्स में आपको डिफ्यूज टाइप LED लाइट दी गई है, और यहाँ पर आपको 6 स्टॉप लाइट दी गई है, और यहाँ पर आपको पार्किंग लाइट और यहाँ पर इंडिकेटर की प्लेसिंग दी गई है। काफी प्रीमियम लुक देती है रात को ऑन होने पर। इसी के साथ आपको नीचे मिल जाते हैं यहाँ पर पार्किंग सेंसर्स, और रियर रिफ्लेक्टर्स की प्लेसिंग आपको लाइट्स में ही दी गई है। चलिए अभी इसका बूट स्पेस ओपन कर लेते हैं। बूट ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको एक बटन दिया गया है। काफी बढ़िया आपको बूट स्पेस इसमें ऑफर किया गया है। इसमें आपको 268 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है, और इसके नीचे आपको स्पेयर व्हील की प्लेसिंग भी दी गई है। ये भी आपको 14 इंच का ही प्रोवाइड किया गया है। इसमें आपको कोई भी इल्यूमिनेशन के लिए लाइट प्रोवाइड नहीं की गई है, और यहाँ पर आपको एक ग्रोसरी हुक मिल जाएगा। इसके साथ यहाँ पर आपको रियर पार्सल ट्रे मिल जाती है,
और यहाँ पर आपको दो ग्रैब हैंडल्स प्रोवाइड किए गए हैं फुट स्पेस को बंद करने के लिए। इसके साइड में आपको फ्यूल लिड दी गई है राउंड शेप में और इसमें आपको 37 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। तो चलिए अब चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर की बात करने से पहले मैं आपको इसकी चाबी दिखा देता हूँ। इस वेरिएंट के साथ आपको कुछ इस टाइप की नॉर्मल की ऑफर की जाती है। इसमें आपको दो बटन मिल जाते हैं जिसमें आपको लॉक और अनलॉक के स्विच दिए गए हैं और इसी के साथ यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की। तो इसमें आपको पूरा ब्लैक्ड आउट इंटीरियर देखने को मिलेगा जो कि इस गाड़ी को काफ़ी स्पोर्टी लुक देता है और इसी के साथ आपको यहाँ पर क्रोम डोर हैंडल देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको ऑर्गेमसी कंट्रोल देखने को मिलेंगे। इसी के साथ यहाँ पर आपको बाकी के पावर विंडोज को लॉक करने का ऑप्शन, यहाँ पर आपको चारों पावर विंडो और ड्राइवर साइड पावर विंडो आपको ऑटो कंट्रोल फीचर के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल डोर लॉक अनलॉक के बटन मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको डोर ग्रैब हैंडल, इसके नीचे आपको 1 लीटर बोतल होल्डर, यहाँ पर आपको कुछ स्पेस देखने को मिलेगा। इसके साथ यहाँ पर आपको स्टिकर की ग्रिल देखने को मिल जाती है। इसमें आपको कोई भी ट्विटर ऑफर नहीं किए गए हैं। इसके साथ यहाँ पर आपको कुछ फैब्रिक कुशनिंग देखने को मिलेगी और बाकी सारा मटेरियल यहाँ पर हार्ड मटेरियल यूज किया गया है। तो चलिए अब चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। इसकी ड्राइवर साइड सीट को मैं अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेता हूँ। अब हम आ गए हैं इसके इंटीरियर में। तो इंटीरियर में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील की। तो इसमें आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है। इसके सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो और उसके साइड में आपको क्रोम की बढ़िया फिनिश दी गई है और इसी में आपको हॉर्न और एयरबैग की प्लेसिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको कुछ ऑडियो के कंट्रोल दिए गए हैं, वॉल्यूम अप डाउन, और यहाँ से आप ट्रैक को चेंज वगैरह कर सकते हैं, यहाँ से आप म्यूट कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी और फोन उठाने और काटने के लिए बटन्स दिए गए हैं। इसमें आपको कोई भी क्रूज कंट्रोल नहीं दिया गया है। साथ ही इसमें आपको टिल्ट एडजस्टमेंट भी स्टीयरिंग में ऑफर की गई है जिसको आप अपने हाइट के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इसमें आपको मैं चाबी लगा लेता हूँ इसकी। तो आपको इसमें कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। इसमें आपको एनालॉग टैकोमीटर और स्पीडोमीटर देखने को मिलेंगे और इसके बीच में आपको छोटी सी MID देखने को मिलेगी जिसमें आपको फ्यूल का लेवल, टाइम, टेम्परेचर और ट्रिप और किलोमीटर शो करेगा। इसी के साथ आपको टैकोमीटर में इंजन वार्निंग देखने को मिलेगी और स्पीडोमीटर में आपको 220 की स्पीड देखने को मिलेगी। काफ़ी बढ़िया लुक इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, आप देख सकते हैं। MID का कंट्रोल आपको यहाँ से दिया गया है, यहाँ से आप MID के मोड्स चेंज कर सकते हैं। इसी के साइड में आपको यहाँ पर एक AC वेंट दिया गया है। इसके नीचे आपको आइडल इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है, इससे आपकी गाड़ी का इंजन 5 सेकंड बाद बंद हो जाएगा जब भी आप ट्रैफिक में होंगे, और जैसे आप क्लच को प्रेस करेंगे आपका इंजन ऑन हो जाएगा। कंपनी इसमें 23 की माइलेज क्लेम करती है, तो आइडल स्टार्ट स्टॉप स्विच से ही आप इसको 23 की माइलेज अचीव कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर आपको हेडलाइट का लेवलर स्विच दिया गया है और यहाँ पर भी आपको कुछ हेडलैम्प्स के स्विच दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल स्विच दिए गए हैं और यहाँ पर आपको वाइपर्स के कंट्रोल स्विच यहाँ मिल जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसे डैशबोर्ड की। तो इसमें आपको हार्ड मटेरियल का यूज किया गया है और इसके साथ यहाँ पर आपको सिल्वर मैटी फिनिश देखने को मिल जाती है जो इसके इंटीरियर को काफी अच्छा लुक देती है। यहीं पर आपको AC के दो वेंट्स देखने को मिलेंगे जिनके सराउंडिंग में क्रोम का यूज किया गया है और यहीं पर आपको हजार लाइट का स्विच मिल जाता है। इसी के साथ आपको इसमें टच रिस्पॉन्स के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम प्रोवाइड किया गया है जिसमें आपको कोई
टच स्क्रीन नहीं मिलती, लेकिन इसमें आपके जो कंट्रोल सही सारे टच में दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। इसके बीच में आपको एक छोटी सी स्क्रीन दी गई है, इसकी सराउंडिंग में जो लाइट दी गई है काफी बढ़िया प्रीमियम लुक इसको दे रही है। इसी साथ नीचे आपको मैनुअल एसी कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जिनकी क्वालिटी भी काफी डिसेंट दी गई है। इसी साथ आपको नीचे यहाँ पर 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, यहाँ पर आपको ऑक्स और यूएसबी की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको कुछ स्टोरेज स्पेस दिया गया है जिसमें आप अपना मोबाइल वगैरह रख सकते हैं, और यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर प्रोवाइड किए गए हैं। इसके साथ आपको यहाँ पर 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स लीवर दिया गया है। इसके सराउंडिंग में आपको सिल्वर मैटी फिनिश देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको क्रोम टिप के साथ मैनुअल हैंडब्रेक देखने को मिल जाता है, जिसके नीचे आपको कुछ स्टोरेज स्पेस दिया गया है, और यहाँ पर भी आपको कुछ स्टोरेज स्पेस दे दिया गया है। इसके साथ अगर हम बात करें इसमें IRVM की, तो इसमें आपको मैनुअल एडजस्टमेंट IRVM दिया गया है, कोई ऑटो डिमिंग फीचर यहाँ पर नहीं दिया गया है, आप देख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर आपको कैबिन लाइट दी गई है, ये भी हेलोजन दी गई है, और यहाँ पर आपको 2 माइक दिए गए हैं। इसके साथ आपको यहाँ पर को पैसेंजर साइड सन प्रोटेक्शन दिया गया है, जिसमें आपको वैनिटी मिरर दिखने को मिलेगा, लेकिन ड्राइवर साइड में आपको कोई वैनिटी मिरर यहाँ प्रोवाइड नहीं किया गया है। इसमें आपको एक टिकट होल्डर दिया गया है। तो कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पर इंटीरियर देखने को मिलता है, और साथ ही यहाँ पर आपको पैसेंजर की साइड्स, सभी पैसेंजर की साइड आपको यहाँ पर डोर हैंडल देखने को मिलेंगे। इसी के साथ आपको इसमें काफी अच्छे स्पेस के साथ ग्लव बॉक्स देखने को मिलेगा। इसके साथ यहाँ पर आपको कोई भी डेड पेडल देखने को नहीं मिलेगा, और यहाँ पर आपको फ्यूल लिड ओपनर देखने को मिल जाता है। अब अगर हम बात करें इसकी सीटिंग कंफर्ट की, तो इसमें आपको काफी अच्छी कुशनिंग के साथ सीट प्रोवाइड की गई है। काफी ब्रॉड शेप की ये सीट्स इसमें बनाई गई है। इसमें आपको आगे के दोनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल देखने को मिलेंगे, और जबकि पीछे के हेडरेस्ट आपको फिक्स देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का फीचर दिया गया है, सीट को आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। काफी अच्छी कुशनिंग आपको इसमें दी गई है, और काफी अच्छा ही अंडर थाई सपोर्ट भी आपको इसमें ऑफर किया गया है। तो चलिए अब चलते हैं इसके पीछे की सीट की तरफ। पीछे के दरवाजों में आपको क्रोम डोर हैंडल, यहाँ पर आपको पावर विंडो का स्विच, एक ग्रैब हैंडल, यहाँ पर आपको 1 लीटर बोतल होल्डर, और यहाँ पर आपको स्पीकर की ग्रिल देखने मिल जाती है। इसमें यहाँ पर आपको कोई भी फैब्रिक की कुशनिंग देखने को नहीं मिलेगी। इसके साथ यहाँ पर आपको चाइल्ड लॉक प्रोवाइड किया गया है। इसकी ड्राइवर साइड सीट को हमने अपने अकॉर्डिंग सेट कर लिया था, तो अब इसके सीट के अंदर बैठ के देखते हैं। आप देख सकते हैं काफी अच्छा आपको नी रूम यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और इसी के साथ आपको काफी अच्छा यहाँ पर हेडरूम भी देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें इसके सीटों में, आपको कोई भी आर्मरेस्ट यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया गया है, और इसी के साथ आपको यहाँ पर फिक्स हेडरेस्ट भी दिए गए हैं। पीछे आपको कुछ ज्यादा यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं। इसी के साथ आपको इसमें कोई भी एडजस्टेबल सीट बेल्ट देखने को नहीं मिलेगी। सीट बेल्ट आपको फिक्स दी गई है। तो चलिए अब चलते हैं गाड़ी से बाहर। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में।